हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम का मैंने एक क्लास का वीडियो मैंने बना रखा है। आप लोग चाहो तो सबसे पहले उसको देख लो, है ना। उसके बाद फिर हम लोग ये वाला स्टार्ट करेंगे, तो वो वीडियो पहले देखेंगे बेटे। अब यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट 2022 का एमसीक्यूज। हम फिर से वही सीरीज स्टार्ट किए हैं। कौन सी सीरीज? एमसीक्यू से हम थ्योरी डिस्कशन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो कि आते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे कि नीट 2022 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा, जैसे ही दिमाग में क्वेश्चन आता है फाइलम कॉर्डेटा, आंसर भी आ जाना चाहिए और सारी चीजें एकदम फटाक से आपको फ्लैश में आना चाहिए दिमाग में कि भाई क्या क्या हो सकता है फाइलम कॉर्डेटा में। तो ऑप्शंस देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हो गया ये, देन ऑप्शन ए, इन यूरोकॉर्डेटा नोटो कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। अब देखेंगे बेटा, यहां पर अगर हम देखें तो फाइलम कॉर्डेटा जो है वो तीन सब फाइलम में डिवाइडेड है ना। ये आगे देखेंगे एक एक करके। देन दूसरा क्या है ऑप्शन, इनवर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। देन तीसरा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि भैया ये दोनों जो है, ये पूछा जा रहा है कि इसे जो सब फाइलम है उसके फीचर्स क्या है। देन तीसरा जो रहता है वो कॉर्डेटा का फीचर के बारे में पूछा जा रहा है। देन चौथा, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो यहाँ पर डिविजन ऑफ कॉर्डेटा पूछ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा का शुरुआत से। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम है, एंड फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड है तीन सब फाइलम्स में। यूरोकॉर्डेटा उसी को ही ट्यूनिकेटा बोलते हैं। यहाँ पर ट्यूनिकेटा वर्ड है तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी यूरोकॉर्डेटा नहीं आता है, ट्यूनिकेटा आता है एग्जाम में। तो यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा दोनों एक ही है। देन दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो अगर हम बात करें तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये एक्सक्लूसिवली मराइन है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मराइन, का मतलब होता है उसके एनिमल सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में पाए जाएंगे, मराइन वाटर में पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। यूरोकॉर्डेटा का अगर हम बात करें कि नोटोकॉर्ड के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है, तो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा जो है इसमें नोटोकॉर्ड का पोजीशन क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, मतलब वो एडल्ट में नहीं मिलेगा सिर्फ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूरो का मतलब होता है भाई हमारा यूरिनरी सिस्टम, है ना, ध्यान रखना, ऐसे याद रखना है आपको, यूरो मतलब हमारा यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ नोटोकॉर्ड जो रहता है, यूरिनरी सिस्टम जो होता है हमारा, टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो भाई ऑब्वियसली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल रीजन में। उसका मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, एसिडिया, सेल्वा एंड डोलियोलम। देन आते हैं दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो वर्ड जो होता है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हेड को रिप्रेजेंट करता है सिफेलो, है ना। तो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब क्या है वो उसके पूरे लाइफ में, अगर हम लार्वा की बात करें या एडल्ट की बात करें तो वो उसके पूरे लाइफ में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, इवन एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड मिलेगा। यहां पर नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेल रीजन में। अगर हम यहाँ वर्टिब्रेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वर्टिब्रेटा? क्योंकि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा बैकबोन, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, है ना, दैट इज बैकबोन। और वर्टिब्रल कॉलम ये या तो बोन से बनेगा या तो कार्टिलेज के रूप में रिप्लेस हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो नोटोकॉर्ड है वही आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस होता है। वो वर्टिब्रल कॉलम में भी कार्टिलेज का हो सकता है, लाइक कार्टिलेजिनस फिश, है ना, और में भी वो बोनी हो सकता है जैसे हमारे में भी होता है। देन नेक्स्ट आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के ये कुछ फीचर्स हैं, ये बहुत बार नीट में आया है, आगे भी आ सकता है और हमेशा आता रहेगा। तो कॉर्डेटा के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहली बात तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? फाइलम कॉर्डेटा को कॉर्डेटा नाम सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड के बेसिस पर मेनली रखा गया है। उसके दूसरे भी फीचर्स होते हैं। तो पहला तो हो गया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका पोजीशन ध्यान रखें कि डॉर्सली प्रेजेंट होता है। अब वो कैसे हम देखेंगे आगे। सीएनए, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल। डॉर्सल होलो एंड सिंगल, है ना, डबल नहीं होता है। डबल अगर हम देखेंगे, सॉलिड डबल
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉलिड डबल नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवर्टिब्रेट का फीचर है। ध्यान रखेंगे, फिर से सुनिएगा, सॉलिड डबल नर्वस सिस्टम आपको इनवर्टिब्रेट्स में मिलेगा, लेकिन जो कॉर्डेटा है उसको उसमें आपको हॉलो एंड सिंगल एंड डॉर्सल डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल नर्वस सिस्टम मिलेगा। देन फेरिंक्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, तो ये जो फेरिंजियल गिल्स स्लिट्स होता है फेरिंक्स रीजन में लाइक फेस और दूसरे अदर कॉर्डेट्स में। देन हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज वेंट्रल, तो वेंट्रल का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो पीठ वाला हिस्सा है इसको हम डॉर्सल बोलते हैं, जहां पर बैकबोन है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, और ये सामने वाला हिस्सा को हम फ्रंट नहीं बोलते हैं, इसको हम वेंट्रल पोजीशन बोलते हैं। तो वेंट्रल हमारा हार्ट इधर होता है, इसीलिए ये हार्ट इज वेंट्रल। पोस्ट एनल पार्ट दैट इज टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल पार्ट दैट इज टेल इज प्रेजेंट। तो बेटा अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे में ये रिप्लेस हो गया, ठीक है समझ आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हाँ ये समझ आता है, लेकिन फेरिंग्स कहाँ है हमारे में, फेरिंग्स में जो गिल्स है वो कहाँ है, फेरिंजियल गिल्स कहाँ है, हार्ट वेंट्रल है ठीक है मान लिए, लेकिन पोस्ट एनल टेल कहाँ पर है हमारे में, है ना। तो ये जो पांचों फीचर्स हैं ये आपको एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलेगा और एडल्ट लाइफ में मिलेगा, मतलब ये दोनों में मिला के मिलता है ना, कुछ फीचर्स हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलेंगे, कुछ फीचर्स हमको एडल्ट लाइफ में मिलेगा, और कुछ एम्ब्रियोनिक में भी रहेगा और एडल्ट में भी रहेगा, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक से लेकर के एडल्ट लाइफ में ये पांचों फीचर्स मिलने चाहिए, तभी हम उसको फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड करते हैं। देन अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नीट 2022 का सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर के एक शॉर्ट नोट्स के जैसे बनाएंगे बेटा, है ना, ये बहुत फास्ट रिविजन हो जाएगा आपका। चलिए नीट 2022 का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम वन एंड कॉलम टू। अब देखेंगे बेटा इसमें क्या है, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट क्या है, एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री, आई थिंक हम ये पहले देख चुके हैं। बुक लंग्स भी आई थिंक हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, बायोल्यूमिनेसेंस भी हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें से कोई भी चीज आप नहीं जानते हो, ठीक है, और आई थिंक आपके दिमाग में ये आंसर आ गया होगा, वैसे मैंने आंसर लिखा भी है, बट आंसर आपको नहीं देखना है, मैं इसको छुपा रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। तो अब देखेंगे कि कॉलम वन को कॉलम टू से आपको क्या करना है बेटा, बिना आंसर देके आपको पॉज करना है वीडियो को और आपको आंसर लाना है खुद से, दिमाग अपने सोचना है खुद से मन में कि क्या हो सकता है, कि ये किसका आंसर है, ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। चलो तो अब हम डिस्कशन करते हैं एक एक करके। तो फाइलम टीनोफोरा के बारे में डिस्कशन है, तो फाइलम टीनोफोरा को हम कॉमनली सी वॉलनट और कॉम्ब जेली बोलते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीरियटेड कॉम्ब प्लेट फॉर लोकोमोशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो इल्यूमिनेशंस बहुत बार आता है, मैंने पहले बताया है, इसका एग्जांपल प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो गई होगी। देन लोकस्टा, लोकस्टा क्या है, ये ग्रेगेरियस पेस्ट है, मैंने ये बताया था कि झुंड के झुंड में ये लोग आते हैं और फिर पूरा का पूरा फसल को सफा चट कर जाते हैं, पूरा खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये मैं वर्ड आपको मैं ये दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस में देखा था, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप सिस्टमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कवर करके आप शॉर्ट नोट्स को वापस रिवाइज जब करोगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ रिवाइज हो जाएंगी, पूरा बुक पकड़ के आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ बुक आपको बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन पहले 70-80% चीजों को तो हम अच्छे से कवर तो कर लें, देन उसके बाद आप बाकी लाइंस को आप रीड करिए ताकि कुछ भी ना छूटे और हमारा स्कोर कम से कम भाई 360 में से 360 आने के चांसेस हो, है ना, कोशिश करने में क्या जाता है ना, और लाना ही है। देन उसके बाद देखेंगे बेटा ग्रेगेरियस पेस्ट मैंने बता दिया, ये कौन से फाइलम का है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का, ये क्लास इंसेक्टा, ये एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है लोकस्टा, इसका डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन जो रहता है ये भी आर्थ्रोपोड्स है, तो इसमें आपको मिलेगा बुक लंग्स, बुक लंग्स क्या चीज है, तो ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है। चलिए अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है ना, और इस अर्थ पे 70% जो एनिमल्स हैं वो लगभग आपको आर्थ्रोपोड्स के ही मिल जाएंगे। चलिए
तो अगर हम देखें कि अदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि भैया ये पूछा है तो दूसरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी पूछेगा, क्योंकि एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं अलग अलग आर्थ्रोपोड्स के एनिमल में। तो देखेंगे बेटा लिमलस और किंग क्रैब, चलो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या होता है लिमलस और किंग क्रैब। मैंने बताया पहले ये एक लिविंग फॉसिल है, इसका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो बुक गिल्स। अब इसमें ध्यान रखेंगे स्कॉर्पियन में बुक लंग्स है और लिमलस या किंग क्रैब में बुक गिल्स है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है कि भैया लिमलस या किंग क्रैब, क्रैब कहाँ होता है? तो पानी में होता है। तो पानी में आपको गिल्स मिलेगा, सीधी सी बात है बुक गिल्स। अब बाकी ये जमीन पर रहता है तो बुक लंग्स। क्लियर है, याद रखिएगा ये तरीका। देन दूसरा देखेंगे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है? कई बार पूछा है नीट में, कई बार, कोई गिनती नहीं है। क्या है? ट्रेकियल सिस्टम। बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में ऐसा छपा हुआ होना चाहिए ट्रेकियल सिस्टम कि अंधेरे में, रात में, एकदम नींद में अगर पूछे कि बता बेटा क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर ट्रेकियल सिस्टम, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। देन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक प्रॉन में आपको मिलेगा गिल्स। देन अब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा देख लिए। अब एक और क्वेश्चन आता है आर्थ्रोपोडा से, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो बेटा इसको भी एकदम बिल्कुल आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्या होता है? मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन अब नेक्स्ट आते हैं एस्टेरियास और स्टारफिश। अब स्टारफिश जो है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटस है। इकाइनोडर्मेटा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये एक यूनिक सिस्टम है जो आपको किसी फाइलम में नहीं मिलेगा सिवाय इकाइनोडर्मेटा के। दूसरा जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम के साथ में अगर हम देखें इसमें सिमेट्री, तो एक्सेप्शनली अगर हम देखें तो इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है और उसका जो लार्वा है उसमें आपको बायलेटरल सिमेट्री। अब एक बात है कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो है लार्वा में ये है तो एडल्ट में ये है, तो ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर हम देखें रेडियल सिमेट्री जो होता है वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जैसे कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना, इसमें जो सिमेट्री मिलती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री का अगर हम छोटा सा डिस्कशन कर लें कि भाई सिमेट्री जो है वो किसमें किसमें क्या क्या पाया जाता है, तो अगर हम फाइलम पॉलीफेरा की बात करें तो पॉलीफेरा में आपको एसिमेट्री मिलेगा, मोस्टली एसिमेट्री मिलती है, ठीक है। और उसके बाद पॉलीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है आप लिख सकते हो, और साथ ही साथ है ना वीडियो को स्लो करके आप लिख सकते हो कि पॉलीफेरा में आपको रेडियल एसिमेट्री मिलेगा एंड रेडियल सिमेट्री किसमें मिलेगा? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगा। अब उसके बाद क्या आता है? प्लैटिलिमिन्थस। तो प्लैटिलिमिन्थस से लेकर के पूरा कॉर्डेटा तक के आपको मिलेगा बायलेटरल सिमेट्री। क्या मिलेगा? प्लैटिलिमिन्थस से लेकर के पूरा का पूरा कॉर्डेटा तक के बायलेटरल सिमेट्री, है ना। लेकिन एक्सेप्शनली इकाइनोडर्मेटा में आपको बायलेटरल सिमेट्री एडल्ट में नहीं देखने को मिलेगा, वो मिलेगा लार्वे में, ठीक है, लार्वे में। तो एडल्ट में क्या देखने को मिलेगा? वही लोअर ऑर्गेनिज्म जैसा रेडियल सिमेट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। चलिए बेटा अब नीट 2022 का हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम वन कॉलम टू देखेंगे, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स स्लिट्स, हेटरोसाइक्लिक कॉलोफिन, एयर ब्लैडर, पॉइजन स्ट्रिंग, किसमें किसमें होता है, हाँ, और ये कॉलम टू है। तो आंसर मैंने दे रखा है, बट हम पहले डिस्कशन करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, देन आप खुद से आंसर निकालेंगे बिना आंसर को देखे। चलिए तो देखते हैं साइक्लोस्टोम्स का पहला हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। तो साइक्लोस्टोम्स क्या है? क्लास एग्नेथा का एक एग्नेथा डिवीजन है, एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के दो डिविजन होते हैं, एक एग्नेथा और एक नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो होता है जिसमें जॉ एब्सेंट होता है, जो नेथोस्टोमेटा होता है उसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। तो नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं उसमें हम दो सुपर क्लास देखते हैं, सुपर क्लास पाइसेस जिसमें आपका फिश आएगा, और सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और एप्स आते हैं। तो ये हो गया नेथोस्टोमेटा। देन वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसका जो पहला डिवीजन दैट इज एग्नेथा, जॉ लेस, जॉ नहीं होता है ऐसे एनिमल में, जॉ लेस
जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कौन से डिवीजन में आता है, तो डिवीजन एग्नेथा। अब इसको एग्नेथा में एक क्लास आता है दैट इज साइक्लोस्टोम्स। और साइक्लोस्टोम्स इसका नाम इसलिए दिया गया है, साइक्लो का मतलब माउथ एंड स्टोम का मतलब साइक्लो का मतलब सर्कल एंड स्टोम का मतलब माउथ। ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। ठीक, तो कई बार ऐसे बच्चे बोले सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, हम पूरा थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। तो बेटा आपके पास समय कम है, है ना, नीट की तैयारी के लिए, तो हम फटाफट इसको रिविजन कर रहे हैं। आपके दिमाग में सारी चीजें अभी लास्ट लास्ट का समय है, तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, तो आपकी चीजें दिमाग में एकदम फास्ट आनी चाहिए, है ना, तभी तो आप आंसर फास्ट दे पाओगे। तो चलिए देखते हैं, तो साइक्लो मतलब सर्कुलर, एनिस्टोम मतलब माउथ। तो सर्कुलर माउथ होता है, और ये जो सर्कुलर माउथ है ये सकिंग टाइप का माउथ होता है, और ये एक एक्टोपैरासाइट होता है दूसरे फिशेस में, है ना, एक्टोपैरासाइट है दूसरे फिशेस में। एंड इसमें देखेंगे बेटा रेस्पिरेशन 6-15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होता है, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जॉ, इसीलिए इसको एग्नेथा में रखते हैं। दूसरा कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम होगा, इसमें बोन नहीं पाया जाएगा। दे आर मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए लोग फ्रेश वाटर मूव करते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो ये समुद्र से फ्रेश वाटर में सिर्फ अंडे देने जाते हैं। ऑब्वियसली आप अगर किसी एक ऐसे एनिमल को जो कि समुद्र में या फिर सॉल्ट वाटर में रहता है, उसको आप फ्रेश वाटर में लेके जाओगे, तो बेटा ऑस्मो रेगुलेशन नहीं मैनेज होने के कारण उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये जब फ्रेश वाटर में जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो फ्रेश वाटर में ही क्या करते हैं, हैच होते हैं, ग्रो होंगे, देन वापस वो समुद्र में अपने नेटिव प्लेस में आ जाते हैं जहां उनकी मदर रहती थी। ठीक है, तो वो समुद्र वाटर में वापस आ जाते हैं इनके बच्चे। चलो द नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिश को कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं, मतलब इसका जो एंडोस्केलेटन है, जैसे हमारा एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होता है, वैसे इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इनमें गिल स्लिट सेपरेट होता है विदाउट ऑपरकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑपरकुलम नहीं होता। ऑपरकुलम क्या होता है, अगर आप फिश देखे होंगे जनरली जो मार्केट में जो फिश मिलता है ना, वो बोनी फिश होता है जनरली। तो अगर आप देखोगे तो वो अगर मुंह खोलेंगे या फिर एक्वेरियम वगैरह में भी देखोगे तो ऐसा मुंह खोल के वो लोग ऐसा ऐसा किनारे में ऐसा है ना, अंदर बाहर ऐसा बंद चालू हो रहा है, तो वो ओपरकुलम है। ओपरकुलम एक कवरिंग होती है जिसके अंदर गिल्स रहता है, तो गिल्स की एक कवरिंग को हम ओपरकुलम बोलते हैं। देन नेक्स्ट हेट्रोसर्कल कॉडल फिन। अब कॉडल फिन क्या होता है, उनका जो फिन होता है लास्ट जो टेल रीजन होता है ना, वहां पर अगर आप देखेंगे तो उनका जो फिन का डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम शार्क की बात करें बेटा, शार्क की बात करें, ठीक है, तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं मेरा डायग्राम कुछ अच्छा नहीं होता, है ना, तो ये शार्क का अगर हम देखें, यहाँ पर, तो ये थोड़ा इनका जो फिन का जो साइज है वो आपको इक्वल नहीं मिलेगा, ये आपको अनइक्वल मिलेगा। इस टाइप के फिन को बोलते हैं क्या, हेट्रोसर्कल फिन, है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा गिल्स की ओपनिंग होती है ना, ऐसा गिल्स की ओपनिंग होती है, तो डायरेक्टली गिल्स ओपन रहते हैं लेकिन उसमें कवर्ड नहीं होता, कवरिंग नहीं होता, लाइक ऑपरकुलम। एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में। तो अगर आप देखोगे शार्क को, अब कई लोगों के दिमाग में आता है शार्क कौन सा फिश है, तो ये कार्टिलेजिनस फिश है। देन शार्क का अगर आप देखे होगे तो वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, है ना, समुद्र में कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। आप कभी शार्क को आराम से ऐसा बैठ के एकदम सोते हुए या फिर आराम से आपको देख रहे हैं, ऐसा आप कभी नहीं देखे होगे। शार्क कंटिन्यूअस मूव करता है, अगर आपको याद होगा तो। वो कंटिन्यूअस मूवमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, जिसके कारण बायंसी क्रिएट नहीं हो पाता है और वो लोग एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग डूब जाएंगे। एयर ब्लैडर होगा तो क्या, हवा भर लेंगे उसमें और वो एक जगह थोड़ा सा स्टेबल रह सकते हैं, है ना, लाइक अदर बोनी फिशेस। आप देखे होंगे कि कई फिश जो रहते हैं एक जगह हल्का सा, बस ऐसा हल्का सा तैरते रहते हैं और एक जगह स्टेबल रहते हैं, बट शार्क कंटिन्यूअस मूव करते हैं क्योंकि वो सिंक ना हो जाए बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखना जो मैं आपको समझाया हूँ। एंड मेल बियर्स क्लैस्पर्स इन पेल्विक फिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैस्पर्स, ये भी कई बार आ चुका है नीट में। जो क्लैस्पर्स होता है ये
मेल गैमेट को ट्रांसफर करने का ऑर्गेन होता है। क्या होता है क्लैस्पर्स? मेल गैमेट को ट्रांसफर करने का एक ऑर्गेन है। आप पॉज करके लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैस्पर्स इज फॉर ट्रांसफरिंग मेल गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी। देन नेक्स्ट हम आते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या होता है? ये एक कार्टिलेजिनस फिश है। कार्टिलेजिनस फिश है जिसमें पॉइजन स्टिंग होता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा एकदम पंछी के जैसा रहता है इसका बॉडी। अगर हम देखेंगे, मैं छोटा सा बना रहा हूँ यहाँ कहीं पर, है ना, वैसे जगह नहीं है, तो अगर हम देखें इसका जो बॉडी है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप एनसीईआरटी में देखोगे बेटा तो ये कुछ इस तरीके का होता है ना, आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो ये जो उसका जो स्टिंग होता है ना, उसकी जो पूंछ होती है उसमें पॉइजन होता है, है ना, इसीलिए उसको पॉइजन स्टिंग किसमें पाया जाता है, तो ट्राइगोन में। देन उसके बाद देखेंगे कुछ और एग्जांपल कार्टिलेजिनस फिश के, क्योंकि आते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट नोट्स के रूप में। देन टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक ऑर्गेन। टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक ऑर्गेन ये क्या है? करंट छोड़ते हैं पानी में और अपने आसपास जो मछलियां उनको मार देते हैं, उनको खा जाते हैं, या फिर उनको जो मारने आता है या उनको पकड़ने आता है, उनको लगता है कि थ्रेट है मुझे किसी से, तो वो ऐसा करंट छोड़ते हैं पानी में जिससे वो अपने आप को बचा लेता है। देन स्कॉलियोडॉन जिसको हम बोलते हैं डॉग फिश, उसी को ही हम शार्क बोलते हैं। शार्क को ही डॉग फिश या स्कॉलिडॉन बोला जाता है। अब डॉग फिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पावर ऑफ स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो कई एक एक किलोमीटर से भी ज्यादा वो किसी स्मेल को सूंघ के उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जैसे कि डॉग करते हैं, इसीलिए डॉग फिश नाम रखा गया है। देन प्रिस्टिस सॉफिश, इसका जो मुंह होता है ना, वो ऐसे आरी के जैसा होता है, इसलिए इसको सॉफिश बोला जाता है, प्रिस्टिस। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं मैंने जो बताया है। देन ऑस्टिक्थिस को हम क्या बोलते हैं? बोनी फिश। बोनी फिश प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, है ना, क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शार्क जो है वो डूब ना जाए इसलिए कंटिन्यूस तैरते रहते हैं, बायंसी क्रिएट नहीं हो पाता उनमें क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं होता। बट अदर जो बोनी फिश है उसमें आपको एयर ब्लैडर मिलेगा। एयर ब्लैडर में क्या होता है बेटा, जो बोनी फिशेस हैं वो हवा भर लेते हैं एयर ब्लैडर में, और हवा भरने से वो उनको बायंसी मिलती है, तो पानी के ऊपर आने में उनको आसानी मिलती है। लेकिन अगर उनको बहुत तेजी से नीचे जाना है तो एयर ब्लैडर से एयर को हटा देते हैं जिससे कि वो बहुत तेजी से नीचे जा पाते हैं, और तेजी से ऊपर आना है तो एयर भर करके वो धीरे से ऊपर आ जाते हैं या फिर स्टेबल रह सकते हैं। देन इसका जो गिल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 4 पेयर्स होते हैं, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर देखा 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, बट इनमें गिल्स कितना होता है? 4 पेयर्स होता है, और वो कवर्ड होता है ऑपरकुलम से बेटा, है ना। देन होमो सर्कल कॉडल फिन, यहाँ पर अगर आप देखोगे हो सकता है कि भैया एक बार पूछा है ना क्वेश्चन में कि हेट्रो सर्कल कॉडल फिन किसमें पाया जाता है, तो हेट्रो सर्कल कॉडल फिन आपको कार्टिलेजिनस फिश में मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर पूछ दिया भैया बोनी फिश में किस टाइप का फिन्स पाया जाता है, तो लटक नहीं जाना है अपने को, क्या करना है हमको, ध्यान रखना है होमो सर्कल। होमो सर्कल का मतलब क्या है? इक्वल साइज के फिन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया अनइक्वल, एक छोटा और एक बड़ा, अगर आप देखोगे शार्क को एक छोटा एक बड़ा फिन्स पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? होमो सर्कल इक्वल साइज के फिन्स होते हैं, फिन्स जो है ना, फिन्स इक्वल साइज के होते हैं, इसलिए इसको होमो सर्कल कॉडल फिन कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऑस्टिक्थिस या बोनी फिश के लिख दिए हैं। एक आध एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो मराइन फिश में अगर देखें एक्सोसीटस, ये फ्लाइंग फिश है। आप लोगों ने लाइफ ऑफ पाई अगर मूवी देखी होगी तो उसमें समुद्र में जब वो बच्चा शेर के साथ में रहता है एक नाव में, तो समुद्र से फिर बहुत सारे फिश जो है पानी से निकल के ऐसे फ्लाई करते हैं। एक्चुअल में वो उड़ते नहीं है, वो अपने फिन्स को खोल देते हैं ऐसा, जिससे कि नीचे से जब ऊपर लोग छलांग मारते हैं तो एयर में ऐसा फिन्स खोलने के कारण वो थोड़े से एयर में क्या होते हैं बेटा, उड़ते हैं, थोड़ा सा वो एयर में ज्यादा समय तक रह पाते हैं, इसलिए उसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, एक्सोसीटस। एंड हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, आप लोगों ने देखा होगा हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स, ये मराइन फिश है इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बोनी फिश के रोहू, कतला, मगूर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम लोगों ने नीट 2022 का तीसरा क्वेश्चन देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, शॉर्ट नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट को बार बार देख सकते हो आप चाहो तो। शॉर्ट नोट्स अगर बनाने का टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जब भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर कुछ दिमाग में आता है रिवीजन करना है वह मोबाइल निकाल के फटाफट देखो। बट मैं आपसे गुजारिश करूंगा बेटा कि स्क्रीनशॉट को भले प्रिंट आउट करवा लो है ना, लेकिन अपने पास मोबाइल पकड़ के पढ़ाई नहीं करनी है आपको। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल पकड़ोगे पढ़ने के लिए, पता पड़ा कुछ और चालू हो गया, यूट्यूब में टाइम पास कर रहे हैं, फेसबुक में टाइम पास कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में टाइम पास कर रहे हैं, तो हमको ऐसा टाइम पास नहीं करना है एग्जाम के समय पर, है ना। आप जब भी पढ़ाई करते हो अपने रूम पर टेबल चेयर आप बस होने चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना कंप्यूटर लैपटॉप ना ही मोबाइल, इसको आप दूर ही रखो तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप अच्छे से फोकस कर पाओ अपनी पढ़ाई पर। और ज्यादा बेटर है बेटा रूम में भी मत रखो, साइलेंट में रखो और दूसरे रूम में रखो, लॉक करके रखो। कई बार टेंशन रहता है बच्चे लोगों को, कोई देख लिया तो मैसेज देख लिया, अरे भैया एरोप्लेन मोड में डालो, आप अभी डॉक्टर नहीं बने हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो है ना, डॉक्टर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी केस आ गया तो क्या हो जाएगा। अरे भैया आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, उसी इमरजेंसी केस को हैंडल करने के लिए तो आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको अभी फिलहाल अपने मोबाइल को दूसरे रूम में जाकर रख देना है, भले एरोप्लेन मोड में डाल दो ताकि कोई कुछ देख ना सके, मैसेज वैसेज किसी का आप समझ सकते हो। तो गुजारिश रहेगी मेरी कि आप लोग फुल फोकस करो और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए तो नीट 2022 का लास्ट चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या दिया है बेटा, बहुत आसान है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा एनिमल है जो बायलेटरली सिमेट्रिकल है और एसिलोमेट है, फ्लैटिलोमेंथस एसिलोमेंथस एनिमिया एंड टिनोफोरा। तो हम सबसे पहले देखेंगे भैया सिमेट्री के एग्जाम्पल एंड सिलोम के एग्जाम्पल्स, है ना। तो सिमेट्री जो है वो तीन टाइप की होती है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। अगर आप लोगों को सिमेट्री के बारे में डिस्कशन चाहिए तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमको सिमेट्री और सिलोम का डिस्कशन का वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से ये वीडियो बना करके आपको पोस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद देखेंगे बेटा एसिमेट्री, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, उसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ पॉलीफेरा आर एसिमेट्रिकल। एंड रेडियल सिमेट्री क्या होगी, जिसमें बॉडी जो है वो दो इक्वल पार्ट में बहुत सारे अलग अलग प्लेन से डिवाइड हो सकती है, जिसका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। तो रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगा फाइलम सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा एंड एक्सेप्शनली इकानोडर्मेटा। मैंने बताया है आप लोगों को इकानोडर्मेटा में आपको एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलेगा, लेकिन लार्वा में आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलेगा। चलिए देन आते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री आपको मिलेगा फाइलम एनिलिडा से लेकर के पूरा कॉर्डेटा तक। देन सिलोम, सिलोम एक बॉडी कैविटी है जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है ना, जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होती है। तो हम देखेंगे बेटा सिलोम, तो सिलोम जो है वो भी तीन टाइप का होता है, एक एसिलोमेट जिसमें कोई भी सिलोम नहीं होता, ए फॉर एब्सेंट, है ना। सूडो सिलोमेट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब सिलोम तो है लेकिन वो ट्रू नहीं है, फॉल्स सिलोम है। देन यू सिलोमेट, ई यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू सिलोमेट एनिमल्स। तो ए सिलोमेट जो होते हैं वो प्लेट एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, अभी भी आया है, है ना। प्लेट एलिमेंट जो होते हैं वो ए सिलोमेट होते हैं एंड ट्रिपल ब्लास्टिक भी होते हैं, है? चलिए सूडो सिलोमेट जो है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बेटा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नीट में कई बार आया है, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। हाँ, सूडो सिलोमेट का जो एग्जाम्पल है वो है फाइलम एस एलिमेंटस और निमेटोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नींद में भी आपसे पूछे ना तो आपको ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। देन यू सिलोमेट और ट्रू सिलोमेट एनेलिडा टू कॉर्डेटा, अगर आप देखोगे एनेलिडा से कॉर्डेटा तो आपको क्या ध्यान रखना है, फाइलम एनेलिडा से कॉर्डेटा में आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी एंड यू सिलोमेट मिलेगा, ठीक है। तो एनेलिडा टू कॉर्डेटा हम कैसे बोल सकते हैं, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रू सिलोमेट एनिमल्स। देन आते हैं इसके ऑप्शंस पे, तो प्लेट एलिमेंट्स क्या होगा भाई, सिमेट्री जल्दी बताओ, सिमेट्री क्या है सिमेट्री आपका बायलेटरल एंड एसिलोमेट, एंड एस एलिमेंट्स का बायलेटरल एंड सूडोसिलोमेट,
एनालिडा का बायलेटरल एंड यूसिलोमेट, एंटीनोफोरा का रेडियल सिमेट्री एंड दे आर ऑल्सो एसिलोमेट, क्योंकि प्लैटिनमेंस एसिलोमेट है, उसके पहले का भी अगर कुछ आता है एग्जाम में तो प्लैटिनमेंस से पहले का भी जो फाइलम है वो भी एसिलोमेट होगा, देन ट्रू सिलोमेट यहां से चालू होगा। चलिए तो ये हमारा नीट 2020 का हमारा चार क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया। तो बेटा 2020 में भी चार क्वेश्चन आया एनिमल किंगडम से और 2021 में भी चार क्वेश्चन आया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक चीजें हमको डिस्कस करनी है। देन अब आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का जो भी हमारे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और बेटा स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और या तो प्रिंट आउट करवा लीजिए या तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बट मोबाइल से पकड़ के आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर हमको ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, इसके भी यही तरीके से आप वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट्स में आपको जो भी वीडियो चाहिए उस वीडियो का आप उस चैप्टर का नाम आप लिख दीजिए ताकि हम उस वीडियो को बनाने का प्रयास कर सकें। थैंक यू वेरी मच।